आज आपको बताएंगे सफेद चोले का ऑपरेशन फरेब। जी हाँ, जिसे देखकर हर कोई सिहर उठा है, जिसे सुनकर हर कोई सन्न पड़ गया, दिमाग सुन्न पड़ गया है, क्योंकि ऐसा ही कुछ ये मसला सामने आया है। जहां पर जिस डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, जिस पर सब भरोसा करते हैं, उसने ही भरोसे को फरेब की भट्टी में पिघला दिया है। आज हम यहां से जो मसला पूरे कानपुर के लिए हैरान करने वाला था, उसका खुलासा करेंगे। इस मामले को लेकर मानव अंग तस्करी करने वाले 6 लोग बेनकाब भी हो गए हैं। साथ ही अस्पतालों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि डॉक्टर्स जिन पर संवेदनाएं होती हैं, जिन पर विश्वास करते हैं, उन्होंने फरेब को भट्टी में पिघला दिया है और विश्वास सबका टूट गया है। आज कानपुर की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता सवाल करेगी। तमाम मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनसे इस मामले को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। कानपुर की जनता भी हमारे साथ रहेगी, उनसे भी सवाल लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मामले में रिपोर्ट दिखाते हैं। जब जिंदगी देने वाले हाथ फरेब के दलदल में उतर जाएं, खुददारी पर खुदगर्जी का पर्दा पड़ जाए, ज्यादा पाने की हसरत हैवानियत में बदल जाए, तो समाज बेबसी की चादर ओढ़ लेता है और अस्तित्व का अंत होने लगता है। फेक डॉक्यूमेंट, फेक आईडी, फेक आधार, सब टोटल फेक ही बनते थे सर। 4 लाख की बात थी, 2,40 मिले था और उसमें से भी इन लोगों ने घपला कर दिया था सर, पैसा नहीं दिया था। लेटा, इंजेक्शन लगाया, बेहोश हुआ, 2 घंटे बाद उसको होश आया, पता चला उसकी किडनी निकल चुकी है। मेरी किडनी भी निकाल लेंगे, पैसे भी नहीं देंगे, और वही सारी चीजें इन लोगों ने मेरे साथ, एक छोटा सा परिवार बन रहा था वो भी इन लोगों ने तबाह कर दिया सर। सजा होनी चाहिए सर इनको। एक संजय नाम के बंदे मिले थे, तो संजय ने मुझे बोला था तुमने बोले किडनी दिया था कभी, अगर तुम्हारे पास कोई डोनर है तो हमें प्रोवाइड करना। ये गवाही रोंगटे खड़े करती है, खौफ से भर देती है, सवाल उकेरती है, किस पर भरोसा करें और कैसे। डॉक्टर को तो धरती का भगवान कहते हैं, दूसरा जीवन दाता कहते हैं, लेकिन अगर वही जिंदगी को व्यापार समझ ले, जिस्म की सौदेबाजी में उतर जाए, तो ऐसे भगवान से भगवान ही बचाए। इसमें 6 लोग पकड़े गए हैं, जो अलग अलग, जो मैंने आपको पूरी सीक्वेंस बताई है, जो संगठित रूप से काम करते हैं, लाइन का काम, उसमें 6 लोग पकड़े गए हैं, हॉस्पिटल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। कानपुर पुलिस ने इस अंग तस्करी के काले कारोबार को बेनकाब किया है। किडनी और लीवर के 6 सौदेबाजों को दबोचा है, मगर ये तो जिस्म तस्करी की बिसात पर बिछे सिर्फ वो प्यादे हैं जो अपने आकाओं के इशारे पर काम करते थे। पुलिस ने इनकी गर्दन को कसकर पकड़ा तो ये ऐसे ऐसे राज उगलने लगे कि पुलिस भी सन्न रह गई। किडनी रैकेट की जड़ें बरगद के पेड़ की तरह निकली। दिल्ली से लेकर यूपी, पंजाब से कोलकाता और तमिलनाडु तक इसके तार जुड़े मिले। फोर्टिस और PSRI जैसे नामी अस्पतालों का भी नाम सामने आया है। ये अस्पताल शक के घेरे में है। पकड़े गए हैं, हॉस्पिटल अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हमारे पास जो अभी जो जानकारी एकत्रित हुई है, उसके हिसाब से कुछ कोऑर्डिनेटर्स का नाम सामने आया है। ये कोऑर्डिनेटर अस्पताल अपने हॉस्पिटल में रखते हैं, जो कि डोनेशन की प्रक्रिया को करने के लिए रखे जाते हैं, तो उनके नाम सामने आए हैं, PSRI हॉस्पिटल के भी और फोर्टिस हॉस्पिटल के भी। तो अब एविडेंस के आधार पर इनकी तरफ आगे बढ़ा जाए। आरोप है अस्पताल के ही लोग ऐसे लोगों से डील करते हैं जिन्हें इन अंगों की आवश्यकता होती थी। आरोपी इन अस्पतालों से 25 से 30 लाख रुपए में किडनी और 70 से 80 लाख में लीवर का सौदा करते थे। जो इसका सरदना है इस गैंग का, वो बंगाल से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बाद जो तार है बड़े अस्पतालों के अंदर जहां पे हो रहा है, वो दिल्ली में भी है, ये हर जगह है। तो इसके लिए एक मेरा हमारी तरफ से जो कानून को काम करना है वो तो करेगा, मगर जब इंटरस्टेट ये इन्वॉल्वमेंट हो जाता है क्राइम का, तो उस पर कोई ना कोई या तो सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से या SIT के माध्यम से इस पर पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट तैयार करके इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार जिस्म के सौदागरों को खबरदार कर रही है, भरोसा दिला रही है कि गुनहगारों को छोड़ेंगे नहीं। वी उत्तर प्रदेश पर हुए इस बड़े खुलासे के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है। आरोपी डॉक्टरों को सस्पेंड करने की बात कही। खैर, खुलासा बड़ा है तो एक्शन भी होगा, मगर सवाल है क्या इतना बड़ा रैकेट
बिना किसी बड़े आशीर्वाद के चल सकता है, और अगर नहीं तो क्या उन बड़े मगरमच्छों को भी दबोचा जाएगा, या हर बार की तरह कार्रवाई का अंधड़ अपने साथ कुछ तिनकों को ही बटोर कर निकल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरह से रैकेट चल रहा था जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। बड़े सवाल यह है कि इस मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है, एसआईटी जांच भी करेगी, लेकिन इंटेलिजेंस और तमाम लोगों की नाक के नीचे ये रैकेट चलता रहा, फलता फूलता रहा, कैसे? बड़ा सवाल है ये। सीधे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, कानपुर की जनता भी हमारे साथ जुड़ गई है। मेहमानों का रुख करेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। संतोष शुक्ला हमारे साथ मौजूद है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया से नरेश सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, संदीप शुक्ला साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में श्याम सिंह पवार हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है, और बहुत स्वागत है कानपुर की जनता का। पहला सवाल संतोष शुक्ला साहब, सर सरकार आपकी केंद्र में, प्रदेश में विधायक आपके, स्वास्थ्य विभाग में, कानपुर में तो हमने कचरा देखा सर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कानपुर में इतना कचरा है सर, कौन साफ करेगा और कैसे अब तक साफ नहीं हो पा रहा? देखिए, एक जो डॉक्टरी का पेशा है ये इतना पावन पेशा है कि सभी लोग आँख बंद करके डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं जिसको व्यापार के रूप में लेते हैं, और व्यापार के रूप में भी इस प्रकार घृणित कार्य कर देते हैं जो मानवता के लिए ही प्रश्न चिन्ह है। ये न केवल अपने को आरोपी बना रहे हैं, बल्कि अपने जो पूरा समुदाय है जो कि मानव की सेवा के लिए लगा हुआ है उनको बदनाम कर रहे हैं। इस सरकार पे इस चीज के लिए जीरो टॉलरेंस है, किसी प्रकार का भी कोई भी ऐसा कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके पीछे जितने भी लोग होंगे, चाहे वह कितने भी ताकतवर हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा, और सजा के माध्यम से एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाएगा जिससे दूसरे लोग ऐसे कृत्य करने से लिए हमेशा से डरे। सर आपने सजा की बात की, एक बहुत छोटा सवाल है सर आपसे, सर आपको पता है इस मामले में कितनी सजा होती है? सर अगर उसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, सर कानून है, कानून बनाने की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए, सजा की अगर मान लीजिए सजा की अगर इंटेंसिटी अगर कम है तो वो भी लाया जाएगा। सर बड़ा सवाल ये है कि आपको ये भी नहीं पता कि सजा कितनी होगी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये रैकेट 7 साल से अधिक की सजा है इसमें, 5 साल की सजा होती है सर, और डॉक्टर्स अगर आते हैं उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। मैं जनता को भी बताना चाहता हूँ, जनता के सवाल हम लेंगे, लेकिन शुक्ला साहब एक चीज है, रैकेट चलता रहा और आज से नहीं चल रहा है, क्या आपको लगता है कि बड़े अस्पतालों का नाम सामने आ रहा है, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक के तार जुड़ रहे हैं, आपको लगता है ये सब मिली भगत से चल रहा है? कानों कान किसी को खबर इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब मिले हुए थे। देखिए निश्चित रूप से इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है और पूरे भारतवर्ष में इसके तार जुड़े हुए हैं। दूसरा ये कि जैसे ही शिकायतकर्ता ने, जो कि कानपुर की शिकायतकर्ता रतन लाल नगर की है, जैसे ही शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत करी, जो अधिकारी थे उन्होंने इसकी गंभीरता को समझा, इसको अपनी प्रायोरिटीज में लिया, और प्राथमिकता के आधार पर ये ना देखते हुए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, किन अस्पतालों के लोग हैं, वो कितने बड़े नाम हैं, उन सबको उजागर करने का काम किया, उनको कानून के घेरे में लाए हैं, उनको गिरफ्तार किया है, और आगे भी इससे जुड़े जितने भी लोग होंगे वो उनकी क्या उनकी ऊंचाइयां हैं, वो कहां से जुड़े, इनको बिल्कुल परवाह नहीं करी जाएगी, और उनको कानून के दायरे में लाकर एक उदाहरण पेश किया जाएगा। शुक्ला साहब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की गई है, अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन तार इतने बड़े और बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं कि अभी तक समझ में नहीं आ रहा कार्रवाई शुरू कहां से हुई और खत्म कहां पर होगी। मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे साथ नरेश जी मौजूद हैं। नरेश जी आपको क्या लगता है ये लूप होल कहां पर है, कमजोरी कहां पर है, किसकी वजह से इतना बड़ा रैकेट और गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है? बिना संरक्षक के कुछ नहीं होता है। अब आप देख लीजिए कानपुर की जनता भोली भाली है, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, और जब ये लोग इस तरीके के कार्य करेंगे तो पब्लिक किसके पास जाएगी? सरकार में आप हैं, सारा सिस्टम आपका है, चलाने वाले आप हैं, जनता किस पे भरोसा करे आप बताएं। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर्स की मिलीभगत तो लग रही है, क्या सरकार की मिलीभगत भी है? बिल्कुल होगी, बड़े लोगों का नाम होगा इसमें। शुक्ला साहब देखिए कह देने का कुछ भी कहा जा सकता है कि इनका हाथ होगा उनका हाथ होगा, लेकिन प्रथम दृष्टा जो नजर आ रहा है कि इसमें एक ऐसे लोग हैं जो मीडिएटर का काम कर रहे हैं, जो डॉक्टरों तक का ले जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास या जिनके पास ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है या ऐसे लोग नहीं है जो अपने किडनी या अंग का प्रत्यारोपण करा सके, उनकी फायदा उठाने के लिए ऐसे गिरोह सक्रिय है। लेकिन किसी भी सरकार की कोई संलिप्तता नहीं, सरकार ऐसे अपराधियों को बिल्कुल सिकच्चों के पीछे देखेगी निश्चित रूप से। बहुत छोटा कमेंट, क्या कहें, अब
हमारी पब्लिक इसका जवाब देगी अच्छे से। बिल्कुल, पब्लिक के पास भी हम जाएंगे, जनता से सवाल करेंगे। आपका जो सवाल है आप हाथ ऊंचा कर सकते हैं, मेरे सहयोगी विशाल मेरे साथ मौजूद हैं, आप हाथ ऊंचा करेंगे, हम जनता से सवाल लेंगे। उससे पहले मैं संदीप जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, एक पक्ष उनका लेता हूं, आपका सवाल तैयार रखें, हाथ ऊंचा करिएगा। संदीप जी, क्या आपको भी यही लगता है कि मिली भगत है, और अगर मिली भगत है तो खुलासा कैसे नहीं हुआ? पहले भी खुलासा हुआ, आरोपी छूट जाते जमानत पर, फिर वही कृत्य करते हैं। देखिए, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि अब ये सामने आया है अपराध और इस पर जीरो टॉलरेंस है सरकार का। मैं इनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं और पब्लिक को भी बता देना चाहता हूं कि इसी प्रकार का एक मामला 2016 में आया था, बड़ा किडनी रैकेट का खुलासा हुआ था, उस समय बड़ा हो हल्ला हुआ था। सरकार ने क्या किया, मोदी जी की सरकार थी, अच्छे दिन वाली सरकार थी, क्यों नहीं उन लोगों के अच्छे दिन आए जिनकी किडनी निकाली गई, धोखा दे के निकाली गई, क्यों नहीं कानून में परिवर्तन किया गया कि उनको सजाए मौत दी जाए, सिर्फ 5 साल की सजा, वो भी उन लोगों को नहीं हुई जो लोग उसमें शामिल थे। कुछ बिचौलिए पकड़ लिए जाते हैं, जो बेचारे काम करते हैं सिर्फ 10-5 हज़ार की दलाली का, उनको पकड़ के आप जेल में भेज दे रहे हैं। इसके पीछे जो बड़ा रैकेट है, जो लाखों करोड़ों कमा रहा है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा, सरकार की निश्चित रूप से मिली भगत है। और मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ दावे के साथ कि बिना सरकारी संरक्षण के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता है। ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका भी हम जवाब लेंगे जनता से। हालांकि कई लोग हाथ ऊंचा कर रहे हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। विशाल जी, अपना नाम बताएं और सवाल करें। सुरेश गुप्ता कहते हैं मुझे, सरकार का संरक्षण बिल्कुल है, बिना सरकार के संरक्षण से हो ही नहीं सकता। जब किडनी का केस में 5 साल की जमानत तुरंत हो जाती है, अगर ये 7 साल जब कम होती है जिसमें सजा, उसमें सजा जमानत जल्दी हो जाती है। ये जानबूझ के षड्यंत्र है, उन लोगों को बचाने का काम किया जा रहा है जो लोग किडनी का व्यापार करते हैं, मौत का व्यापार। मैं सीधे, कुछ आरोप लगे हैं शुक्ला जी, और उसमें बड़े नाम दिल्ली के अस्पताल के भी हैं सर। नोएडा में फोर्टिस अस्पताल है, PRSI अस्पताल है जिसका नाम है, तो क्या आपको लगता है कि बड़े लोगों को शय प्राप्त है? आरोप लग रहे हैं सर जनता से। देखिए, निश्चित रूप से इसमें ऐसे कोई लोग हैं जिनके बड़े नाम हैं, वो बड़े उद्योग के रूप में चिकित्सा को ले रहे हैं, लेकिन मैं फिर एक बार स्पष्ट कर सक रहा हूँ कि सरकार की जो प्राथमिकता है, सरकार इस चिकित्सा को उद्योग नहीं बनने देना चाहती, और ऐसे घृणित लोग इसके पीछे कोई भी वैसे घृणित नहीं किया जाएगा, वो किसी भी स्तर के नाक के नीचे, इंटेलिजेंस की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे, स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे, ये सब कैसे चलता रहा? पवार साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई लूपहोल सरकार की तरफ से है, या फिर स्वास्थ्य विभाग को भी आप कटघरे में खड़ा करते हैं, पुलिस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करते हैं? ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, जब पूर्ववर्ती सरकारें थी तब भी ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिनमें खुलासा होने के बाद जांच कहने के लिए बस कर दी गई और उसमें खानापूर्ति की गई। वैसे ही आज भी कोई ज़्यादा अछूता मामला नहीं है, कोई भी महानगर हो या मेट्रो सिटी हो, वहाँ पर बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरीके के गोरख धंधे पहले भी चल रहे थे, और जनता की जैसी की आशा थी कि कुछ बदलाव होगा, वैसा बड़े अस्पतालों में ऐसा देखने को आज भी नहीं मिल रहा है। आज भी जो डॉक्टर, जिसे जनता भगवान समझती है, वो अपने पैसे को कलंकित कर रहे हैं, उससे पूरा समुदाय परेशान है, ऐसा नहीं है, कुछ ही लोग हैं, सभी नहीं कह सकते कि सभी ऐसा है, लेकिन कहते हैं कि जो अच्छाई होती है उसको कबूलने के लिए पहले लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब बुराई सामने आती है तो वो तेजी से उजागर होती है और आग की तरह फैलती है। बिल्कुल, आज यही स्थिति है कि कुछ एक अस्पताल ऐसे हैं जो गोरख धंधे में शामिल हैं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है और कटु भी है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं ये मात्र और मात्र खाना पूर्ति करके उनको क्लीन चिट दे देंगी, आज नहीं तो कल, देख लीजिएगा। ये बड़ा सवाल है और बड़ा आरोप भी लगाया है पवार साहब आपने कि क्लीन चिट दी जाएगी, क्योंकि 2016 में जब ये मामला सामने आया, जमानत पे छूटते आरोपी और फिर वही कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है, और आज फिर हमें इसी नाम पर, इसी बात पर चर्चा करनी पड़ती है। देश की कई ऐसी एजेंसियां हैं जो आज, जिन पर देश भरोसा कर रहा है, वो आज भी अपने कार्यालय में बैठ करके जांच कर रहे हैं। मुझे चूंकि सार्वजनिक तौर से नहीं कहना चाहिए और मैं ऐसे नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैंने खुद देखा कि कई ऐसी जांचें हुई जो उनके आपसों में ही हो गई, मौके पर जाने को अधिकारी तैयार ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है, SIT का गठन भी किया गया है, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जनता से कुछ सवाल पीछे से भी लेना चाह रहे हैं जी।
एक एक करके आप सवाल लें, पीछे से भी कुछ सवाल हैं, नाम बताएं और सवाल करें। जी मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है। सर मेरा मैं ये जो सवाल पूछना चाहता हूँ वो सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूँ। ये एक चैनल है सर, यहाँ जिला अस्पताल में आप जाइए, डॉक्टर बाहर की दवा लिखता है, अंदर की दवा नहीं देता। किडनी का इलाज कराने के लिए कोई गरीब आदमी जाता है, उसको सालों लग जाता है सर परमिशन लेने के लिए। लेकिन आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाइए, वो 8 लाख से 9 लाख आपका पैकेज बनाते हैं और आपको तुरंत उसकी परमिशन मिल जाती है। ये बिना ब्यूरोक्रेट्स के, बिना नेताओं के मिली भगत के हो ही नहीं सकता। ठीक है, सवाल वही आ रहा है घूम फिर के शुक्ला साहब कि मिली भगत सबकी है। मैं कुछ तथ्य है वो जनता को बता दूं, हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेहमान भी हमारे साथ हैं। हर जिले में सर बिचौलिए मौजूद हैं, ये खुलासा हुआ है पुलिस की रिपोर्ट में। कानपुर के आसपास के जिले, आप किसी भी जिले में चले जाइए, राजधानी लखनऊ में चले जाइए, बनारस में चले जाइए, इलाहाबाद में चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, सर इतने लंबे तार जुड़े, कानों कान खबर तक नहीं हुई। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर खबर हुई है, उसके बाद भी तो कार्रवाई हुई है। आप दो देखने के दो पहलू हैं। आज से नहीं चल रही है? बिल्कुल नहीं चल रहा है, ये हमेशा से चलता आया, काफी सालों से चल रहा है। जो हमारे ऐसे लोग, मैंने पहले भी बताया कि ऐसे जो लोग परिवार हैं जो प्रत्यारोपण में इनको दिक्कतें आती हैं, जिनके पास एक सामाजिक सर्किल नहीं है या रिश्तेदार नहीं होते, उनकी इस भावना का फायदा उठाने के लिए बिचौली है। तथा ऐसे कई डॉक्टर जिनका जो अपने इसको कलंकित करते आ रहे हैं, भगवान के रूप में जिनको माना जाता है, वो इसमें शामिल रहते हैं। लेकिन इस और इसके पीछे जो लोग होंगे वो भी पकड़े जाएंगे। सरकारी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, जनता की वो पोजीशन खराब है कि वहाँ पे इलाज के नाम पर 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 50-50 रुपए, ये दवा लिख देंगे तो अंदर से मिल जाएगी, ये ले लीजिए बाहर से मिल जाएगी। आप समस्याएं जरा सरकारी हॉस्पिटल में जाके तो देखिए। क्या क्या ये समस्या आज से ही है? इसी सरकार से है। आप देखिए, दो साल ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ है। देखिए आप वहाँ देखिए, 1.5 लाख इंजेक्शन उनको मिल रहे हैं, दवाएं मुफ्त में मिल रही है, बाहर की दवाएं अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो आप जिलाधिकारी को सूचित करिए, कार्रवाई होगी, बिल्कुल मुफ्त इलाज के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। तो डॉक्टर अस्पतालों में ऊपर आईसीयू में आने जा रहा है तो उसके लिए आईसीयू में आने का उसको आपको चार्ज देना पड़ेगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाएं क्या मिलती है? वही ट्रीटमेंट है, जो लोग थोड़ा पैसे लगा देते हैं तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं, उनको इलाज मिल जाता है। जनता सवाल करना चाह रही है। नाम बताइए। मेरा नाम गर्वित नारंग है, मैं छात्र नेता हूं कानपुर विश्वविद्यालय का। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाह रहा हूं इस विषय को लेके। हाँ। वो ये है कि जैसे कल मैंने आपका चैनल देखा था, रवीना त्यागी जी जो आईपीएस हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले को, पूरे प्रकरण को उठाया है, उनको मैं सुन रहा था। आईपीएस ने तो बहुत अच्छा काम किया है, इस बात में मैं कहूंगा, उनकी तारीफ भी करूंगा, लेकिन 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 अभी तक किसी डॉक्टर के गिरेबान पे हाथ नहीं किया है। ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज और भी है। हाँ। कि किसी भी डॉक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, क्योंकि इससे पहले भी कई एक मामले हो चुके हैं, तो एक नियम बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है कि एक डॉक्टर के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो उसके लिए एक डॉक्टरों की कमेटी गठित की जाएगी, वो उसको पहले जांच करेगी, जांच करने के बाद अगर वो दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और कोई भी डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को नहीं फंसाता, उसको क्लीन चिट दे देता है। इससे पहले भी एक मामला हुआ था, उसमें भी पुलिस उल्टा फंस गई थी। ठीक है, आपने जो सवाल किया है मैंने सुन लिया। आईएमए उनकी संस्था है, आईएमए से सर हमने बात की है। आईएमए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए है, ना किसी के दोषी को बचाने के लिए। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आईएमए जैसी संस्था ऐसे घृणित कार्य करने वालों को बिल्कुल नहीं बचाएगी और उनको सख्त से सख्त सजा देगी। लेकिन विश्वास जनता को दिलाना होगा, और जनता जांच चल रही है, जनता तभी विश्वास करेगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। जनता तभी विश्वास करेगी शुक्ला साहब जब आप कार्रवाई करेंगे, किसी डॉक्टर के खिलाफ कदम उठाया जाएगा, ये सभी हाथ उठा के उस दिन ताली भी बजाएंगे आपके लिए अगर आप काम करेंगे, क्योंकि इनकी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। गरीब आदमी को पागल बनाया जा रहा है, लोगों की संवेदनाएं, सर गरीब आदमी को पागल बनाया जा रहा है और उनकी किडनी बेची जा रही है। कुछ अहम सवाल हैं पवार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, संदीप जी इसके बाद आपके पास आऊंगा। पवार साहब स्थिति आप देख रहे हैं, गरीब लोगों को झांसा दिया जाता है, 25-30 लाख में किडनी, 70-80 लाख में लीवर, और उनके परिवार वालों उनको परिवार वाला बना दिया जाता है, यानी उनको रिलेशन में बता दिया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें मोहर मिली है, सरकारी मोहर, फर्जी मोहर मिली है, स्थानीय लोग भी, स्थानीय प्रशासन के लोग भी इसमें मिले हुए हैं? निश्चित तौर पे इस पे स्थानीय प्रशासन मिला हुआ है, और ऐसा है मीडिया ने समय समय पर ऐसे तथ्य सामने लाए हैं जिनसे ये अनियमितता मिली हुई है कि अस्पतालों में ऐसा गोरखधंधा चल रहा है
ये मात्र किडनी पर नहीं है, कई ऐसे हॉस्पिटल इसमें जो हैं, हृदय रोग संस्थान भी हैं ऐसे लपेटे में, अगर जांच हो जाए तो बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है उसमें, क्योंकि वहां भी आज तुरंत कार्डिक जांच के नाम पर उनको इतना परेशान मरीजों कर दिया जाता है, इतना भयभीत कर दिया जाता है, उनको तुरंत सलाह दी जाती है कि आज ऑपरेशन कराइए अंततः कल आप मर जाएंगे, इस तरीके के कई एक केस मेरे पास भी आ चुके हैं। कानपुर की जनता से हम सवाल करेंगे, लगातार हम बने हुए हैं इस खास मुद्दे पर, आपके सवाल भी लेंगे, राजनेता आपके सामने बैठे हुए हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइए। कानपुर की धरती से हम सुलगते हुए सवाल पूछ रहे हैं किडनी कांड को लेकर, क्योंकि मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है और कानपुर की मिट्टी, कानपुर की जनता सवाल पूछती है, क्योंकि इनके तार प्रदेश ही नहीं अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह था जिसका खुलासा हुआ है, लेकिन कई लोग अब भी बाकी हैं जिन पर शिकंजा कसना है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जनता के सवाल लेंगे। कांग्रेस से संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, सवाल सबसे बड़ा यही पूछा जा रहा है कि कब कार्रवाई होगी डॉक्टर्स पर, कब कार्रवाई की जाएगी? आपने कहा पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, तो सर कहाँ कमी रह जाती है, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? हम लोगों ने पहले भी आवाज उठाई थी और इसमें मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ही ये खुलासा किया है, ना कि किसी पुलिस या प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने किया है, मीडिया ने इसका खुलासा किया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनवरत आंदोलन चलाएंगे जब तक कि सही दोषी जेल के पीछे नहीं जाएंगे। और मैं मांग करता हूं भाजपा से, जो सरकार है हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में, कि इसके लिए इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एक मैं अधिवक्ता हूं, मैं जानता हूं कि 5 साल की सजा अगर उसमें है तो आपको खड़े खड़े बेल मिलेगी। इसमें जो कूट रचित दस्तावेजों वाली बात आई है कि नकली मोहर बरामद हुई है, नकली प्रपत्र बरामद हुए हैं, इसमें धारा 420 के साथ 467-68-71 IPC का भी प्रावधान है, इसमें आजीवन कारावास है। लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं जिनका संरक्षण है, उनके वरद हस्त के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, इसका जवाब दें। शुक्ला साहब, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी SIT का। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का तो आभार है ही है जो आप लोग इस विषय को प्राथमिकता से रख रहे हो, आभार उस पीड़िता का भी है जिसने, पीड़िता ने इस विषय को रखा, FIR करने की हिम्मत करी और ऐसे लोगों को सामने लाने का साहस जताया। निश्चित रूप से बहुत सारी समाज में बुराइयां होती हैं और हम लोग उसको सहन कर लेते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं। इस पीड़िता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ऐसे आवाज उठाई और अपनी FIR दर्ज कराई जिसके पीछे कार्रवाई करी। सर कुछ सवाल है मेरे, मैं वहीं पे आ रहा हूं। पिछले पहले क्या हुआ, किन सरकारों ने क्या किया, क्या प्राथमिकता उनकी रही, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि इस सरकार में, सुनिए, इस सरकार में आप जांच आगे और पूछ रहा हूँ, आपने जांच की बात की। कानपुर की धरती से हम सुलगते हुए सवाल पूछ रहे हैं किडनी कांड को लेकर, क्योंकि मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है और कानपुर की मिट्टी, कानपुर की जनता सवाल पूछती है, क्योंकि इनके तार प्रदेश ही नहीं अलग अलग प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। अंतर्राज्यीय गिरोह था जिसका खुलासा हुआ है, लेकिन कई लोग अब भी बाकी हैं जिन पर शिकंजा कसना है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे, जनता भी हमारे साथ मौजूद है, जनता के सवाल लेंगे। कांग्रेस से संदीप जी हमारे साथ मौजूद है। संदीप जी, सवाल सबसे बड़ा यही पूछा जा रहा है कि कब कार्रवाई होगी डॉक्टर्स पर, कब कार्रवाई की जाएगी? आपने कहा पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, तो सर कहाँ कमी रह जाती है, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? हम लोगों ने पहले भी आवाज उठाई थी और इसमें मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ही ये खुलासा किया है, ना कि किसी पुलिस या प्रशासन ने या स्वास्थ्य विभाग ने किया है, मीडिया ने इसका खुलासा किया है, मैं उसको धन्यवाद देता हूं। और हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनवरत आंदोलन चलाएंगे जब तक कि सही दोषी जेल के पीछे नहीं जाएंगे। और मैं मांग करता हूं भाजपा से, जो सरकार है हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में, कि इसके लिए इतना कड़ा कानून बनाना चाहिए, क्योंकि एक मैं अधिवक्ता हूं, मैं जानता हूं कि 5 साल की सजा अगर उसमें है तो आपको खड़े खड़े बेल मिलेगी। इसमें जो कूट रचित दस्तावेजों वाली बात आई है कि नकली मोहर बरामद हुई है, नकली प्रपत्र बरामद हुए हैं, इसमें धारा 420 के साथ 467-68-71 IPC का भी प्रावधान है, इसमें आजीवन कारावास है। लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं जिनका संरक्षण है, उनके वरद हस्त के कारण ये कार्रवाई नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, इसका जवाब दें। शुक्ला साहब, ये सवाल सभी पूछ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी SIT का। देखिए, सबसे पहले आप लोगों का तो आभार है ही है जो आप लोग इस विषय को प्राथमिकता से रख रहे हो, आभार उस पीड़िता का भी है जिसने, पीड़िता ने इस विषय को रखा, FIR करने की हिम्मत करी और ऐसे लोगों को सामने लाने का साहस जताया। निश्चित रूप से बहुत सारी समाज में बुराइयां होती हैं और हम लोग उसको सहन कर लेते हैं, उसको सामने नहीं लाते हैं। इस पीड़िता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उसने ऐसे आवाज उठाई और अपनी FIR दर्ज कराई जिसके पीछे कार्रवाई करी। सर कुछ सवाल है मेरे, मैं वहीं पे आ रहा हूं। पिछले पहले क्या हुआ, किन सरकारों ने क्या किया,
क्या प्राथमिकता उनकी रही, मैं फिर वही दोहरा रहा हूँ कि इस सरकार में, मुझे कहने दीजिए, सुनिए, सरकार में आप जांच आगे कुछ और पूछ रहा हूँ, आपने जांच की बात की, सुनिए, कहने दीजिए, सुनिए, सरकार में आप जांच आगे कुछ और पूछ रहा हूँ, आपने जांच की बात की, ठीक है, आपने कहा कि ये मामला खुलासा अब हुआ है, सर आपको एक बात और बताऊं इस मामले में, सोशल मीडिया के जरिए सर फर्जी ग्रुप बनाए गए जहां पर किडनी डोनर्स को बुलाया जाता था, गरीब आदमी को बरगलाया जाता था, सोशल मीडिया पर एक काला कारोबार चल रहा है, किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती है, कैसे पॉसिबल है सर? बिल्कुल कहीं ना कहीं ये कहीं लीक पोल है, इसमें समाज के सभी लोगों की भागीदारी होती है, उनके भी अपना दायित्व है कि ऐसे कहीं भी कृत्य कहीं देखते हैं, आपके दायित्व है, मेरा दायित्व है, सभी लोगों का दायित्व है, तो निश्चित रूप से इसको, सर मैं इस मामले में समाज को नहीं लाने दूंगा, जब तक समाज में हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं वो आश्वस्त तो हो कार्रवाई को लेकर, फिर आपकी भी भूमिका पर सवाल उठाएंगे। बिल्कुल, आज की जांच के प्राथमिक दौर में जो उनको प्राथमिकता लगी उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको शिकंजों के पीछे गया, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, जैसे ऐसे लोग इसमें जो भी संलिप्त होंगे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी भी ओहदे पर हों, उनको निश्चित रूप से जांच के दायरे में लाया जाएगा, जेल भेजा जाएगा उनको, ये पुरानी सरकारें नहीं है कि टॉलरेंस किया जाएगा, कोई भी नाम हो ऐसा उनको जेल भेजा जाएगा, ऐसा आपको लगता है, पर अभी तक किसी को इसमें इंसाफ मिला है? वो पहली महिला थी जिसने आवाज उठाई, अगर ये मामला मीडिया में ना आया हुआ आता तो आज ये मामला खुल के आता सामने और हम आप डिबेट कर रहे होते, तो आपको कहाँ लगता है कहाँ कमी रह रही है? धन्यवाद है जिसने साहस किया, उन्होंने निश्चित रूप से आपके कानपुर में इस बात को उठाने का, सरकार है सब कुछ आपका है तो ये आपके नीचे कान के नीचे हो रहा है, आपको नहीं है? तो कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, इस पर टॉलरेंस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, भेज रहे हैं, जेल भेजा है, बाकी लोग जो संलिप्त होंगे उनको भी जेल भेजेंगे। छह लोग अभी तक जेल गए, लेकिन बड़े सवाल ये हैं कि क्या बड़े लोग अभी बाकी हैं? पीछे से कुछ हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं। विशाल मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नाम बताएं, सवाल पूछे, सवाल छोटा रखें। नाम गंगा प्रसाद यादव, एडवोकेट हूं मैं जी। मैं एक पुरानी घटना का जिक्र करना चाहता हूँ। 1972 में कानपुर में एक ग्लूकोज कांड हुआ था। हाँ। आज तक उसके एक भी अपराधी दोषी नहीं हुए। पत्रावली कानपुर न्यायालय में लंबित है और इस मामले में मैं धन्यवाद देता हूं सरकार को कि उसने SIT बनाया। हाँ। और लोग गिरफ्तार हुए और एक अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, अंग प्रत्यारोपण पर उसमें 10 साल की सजा है, 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है। सर अभी तक जो 1995 का एक्ट है उसके मुताबिक 10,000 का जुर्माना लगता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रावधान किया गया है। आपका सवाल छोटा सा रखें। सवाल हमारा ये है कि इसमें दोषियों को सजा दी जाए और किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न किया जाए राजनीतिक दलों से। इधर से कोई सवाल लेना चाहता है? एक 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 आपका हो गया, पीछे पीछे और जनता मौजूद है। देखिए ऐसा है कि ये किडनी कांड कोई पहला नहीं है। हाँ। इससे पहले भी हुए हैं। हाँ। और तमाम कार्रवाई हुई है पर वो कार्रवाई केवल देखने के लिए दिखावा था। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बहुत ही खराब है, यहाँ तक कि उर्सला अस्पताल में MR बैठ करके दवाई लिखता है डॉक्टर। ये स्थिति आप देख रहे हैं, आप सुनिए इस चीज को, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय पत्रकारों ने और प्रेस ने लिखा है तब जाकर के उसको वहां से हटाए गए और उसके फिर बाद उसके 15 दिन बाद फिर वही लोग आकर के वहां पर जम गए। ठीक है, MR को जानकारी होती है, फार्मासिस्ट को जानकारी होती है, वहां के सरकारी डॉक्टर इस चीज को कहते हैं कि आप उनसे दवा ले लीजिए। हाँ। तब तक कितनी भी किडनी कांड हो जाए कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। शुक्ला साहब देखिए मैं फिर वही बात को दोहरा रहा हूँ कि कानपुर के अस्पताल की हालत ठीक नहीं है। कानपुर के अस्पताल में दवाएं मिलती है, अगर कोई डॉक्टर बाहर का दवाई लिखता है तो वो जिलाधिकारी महोदय से या जो भी अधिकारी हैं उनसे शिकायत की जा सकती है। समय समय पर यहाँ के अधिकारी लगातार उस पर विजिट करते रहते हैं, जो कमियां होती है उनको उजागर करते रहते हैं। अगर कोई इलाज कराने जाता है तो वो शिकायत करेगा कि अपना इलाज कराएगा, पहले आप ये बताइए। तो ये स्थिति आज से खराब हुई नरेश जी? आज से नहीं, काफी टाइम से स्थिति खराब है, लगभग 4-5 साल हो गया, सुधरी नहीं अभी तक। अभी तक नहीं सुधरी हुई, वहाँ के जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो बोलते हैं कि हमारे MR हैं जाइए उनसे दवा ले लीजिए। 4-5 साल पहले सही था जैसे? नहीं सही था सर, इसलिए तो आपको मौका दिया समाजवादी पार्टी को बाहर कर दिया यहाँ से। गरीबों के लिए हमारे सरकार का पूरा कंसर्न गरीबों के लिए है, हमारे लिए सर उन्हीं गरीबों की किडनी निकाली जा रही थी, इसीलिए 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है हर अस्पताल में। हमारे आयुष्मान मित्र बैठे हुए हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए। सर आयुष्मान मित्र सर तो ठीक है, सरकारी अस्पतालों में बैठे हुए महसूस कर कहीं पे मैंने कहता हूँ लैप्सेशन नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ फुल प्रूफ हो गया, अगर कहीं लैप्सेशन है तो उसकी जो सूचना मिलेगी अधिकारी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल राजधानी लखनऊ में शुक्ला जी एक गरीब परिवार जिसने किडनी भी खो दी, पैसे भी खो दिए और उसने अपनी लड़की की जान भी खो दी, वो पीड़ित
ऐसा पीड़ित है जिसने अपनी लड़की के हार्ट के इलाज के लिए अपनी किडनी बेच दी, उसे पूरे पैसे नहीं दिए, बिचौलिए पैसे खा जाते हैं और उसकी बेटी की मौत हो जाती है। ये संवेदना है सर, ये आपको सोचना पड़ेगा। जनता आज इसलिए जवाब पूछ रही है और इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। पवार साहब, क्या आपको लगता है कि अभी SIT का गठन कर दिया है, अब हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए कि कदम उठाए जाएंगे इस मामले में? अभी तक की कार्रवाई ठीक लगती है? ऐसा है, वास्तव में जो आज कार्रवाई की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर जैसा कहा जाता है, कहावत होती है कि छोटी मछलियों को सभी गर्त में लेते हैं और बड़ी हमेशा जाल में नहीं फंसती है और बच जाती है, कहीं ना कहीं अंजाम यही होगा। कहते हैं हमारे शुक्ला जी जो कह रहे हैं, भाजपा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल, यह एक पत्रकार होने के नाते आज भी कहता हूं, मैंने कई हॉस्पिटलों में जा करके मैंने खुद मौके पर देखा है कि कागजी आंकड़े ही सरकार को पेश किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत वास्तव में अलग है। कोई भी पब्लिक शिकायत करती है DM से जा करके, तो शायद मुझे ये मानना है कि उससे पहले वो निकाल दिया जाएगा हॉस्पिटल से। सोला जी, आज भी यही हालात हैं और कई मामले उर्सला और हैलट में अभी प्रेजेंट में आए भी हैं और आने फिर भी आते रहेंगे यदि कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, आप जो कह रहे हैं कि आप इस मामले की कार्रवाई ने जो पुलिस ने की हो उससे आप संतुष्ट अभी तक दिख रहे हो, या आपको लगता हो कि भविष्य में ऐसे छोड़ दिया है? जो चीजें भविष्य के गर्त में है उसको लेकर आशंकित आप इसलिए है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसे कृत्य किए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप जितने भी जनता का ये जो आपके अंदर भय है कि आगे बड़े नाम छोड़ दिए जाएंगे, वो इसलिए है कि पहले की सरकारों ने ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस सरकार में नाम कितने भी बड़े हों उनको बक्सा नहीं जाएगा। जो भी लोग होंगे इसको गंभीरता से लिया जाएगा, सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे घृणित कार्य के पीछे जो भी लोग होंगे उनको बक्सा नहीं जाएगा। जनता से कुछ सवाल भी आ रहे हैं। स्थानीय अस्पतालों के लिए बात कही गई है, लगातार हमारा कंसर्न पूरी सरकार का कंसर्न है, शुक्ला जी, गरीबों को न्याय मिले, उनको उपचार मिले। ये सामने बैठे हुए लोग हैं, हम लोग उसके लिए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा शुक्ला जी, मैं ज्यादा दूर जा ही नहीं रहा सर। आप भी कानपुर के हैं, हम बाहर से आए, लेकिन हम कानपुर की जनता से पूछते हैं कि क्या वाकई अस्पतालों की हालत ठीक है? नहीं नहीं सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी मैंने अपने पापा का कैंसर का इलाज कराया JK कैंसर हॉस्पिटल से। हाँ। एक रुपए की भी दवाई बाहर से नहीं, और बहुत अच्छा, बहुत कीमो वहाँ किया गया, थेरेपी की गई, एक रुपए की कहीं कोई दवाई नहीं, कोई भी बाहर का पर्चा नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं लिखता। ठीक है, सवाल 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 बताइए। देखिए, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, डॉक्टर भगवान है, लेकिन जो डॉक्टर काम कर रहे हैं उससे ये मालूम होता है ये भगवान नहीं, शैतान के रूप में। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है, इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो ये आंदोलन करते हैं, ये मरीजों से माफी करते हैं। ये सवाल सबका है कि कार्रवाई कब की जाएगी। संदीप जी, ये कार्रवाई को लेकर शुक्ला साहब कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, पुरानी सरकारें थी चली गई, वो तो अब हम कार्रवाई करेंगे, SIT का गठन कर दिया है, जल्दी बड़े लोगों को। मैं तो इन्हीं से प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 2016 में इतना बड़ा कांड हुआ था, क्या हुआ, उसका क्या रिजल्ट है? किसकी सरकार थी? आपकी सरकार थी सर, पे? दिल्ली में आपकी सरकार है, आप बैठे हो। प्रदेश सरकार जांच करती है, पुलिस प्रदेश सरकार की होती है, सरकार जांच करती है। आपने अभी आयुष्मान, आप 2016 का उदाहरण दे रहे हैं, किसके प्रदेश की सरकार थी आप बताए ना, किस प्रदेश सरकार में 2016 में हुआ न्याय नहीं मिल पाया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस प्रदेश में थी? आपने अभी आयुष्मान योजना का जिक्र किया, ऐसे चीजें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है, बिल्कुल ठीक है सर, यही मेरा, कोई भी नाम हो इसके पीछे कोई भी आदमी उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा। आपने अभी एक मिनट पवार साहब, अभी आयुष्मान योजना का बात जुड़ा हुआ होता है, आप ध्यान रखिए कि पहली बात जो आप ये कह रहे हो कि पहले प्रदेश में दूसरी सरकार थी आज दूसरी है, लेकिन आप ये याद रखें कि जो स्वास्थ्य का मामला है ये केंद्र से जुड़ा हुआ होता है। बुखार वही है, बीमारी वही है सर, बीमारी वही है, सरकारें बदल गई हैं, वायरस वही है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। आयुष्मान योजना की बात करी आपने, अभी पेपर में बड़ा बड़ा छपा था कि आपकी जो आयुष्मान योजना है उसमें किसके नाम है, आपके प्रदेश सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके नाम है, आपके विधायकों के नाम है, बड़े बड़े नेताओं के नाम है, तो ये कहाँ घपला घोटाला है सर? 2011 मैं जवाब दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे रहा हूँ, 2011 के इंडेक्स को लेकर ये आयुष्मान योजना के लोग जो पात्र हैं उनको रखा गया। 2011 का इंडेक्स आयुष्मान योजना थी भैया, आयुष्मान योजना दिया जाएगा गलती से 2000 योजना में, शोर शराबे में सुलझते हुए सवाल बच जाएंगे, उनको नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर, एक मिनट आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, सवाल पूछ रहे हैं, संशोधन हो रहा है। शुक्ला साहब आराम से, पीछे से कोई सवाल उधर से करना चाह रहे हैं।
मैं अंकित मिश्रा स्नातक का छात्र हूँ। मेरा मानना यह है कि सरकारी डॉक्टर अपने केबिन में ना बैठ के प्राइवेट नर्सिंग होम खोल रहे हैं। आज प्रत्येक गली में नर्सिंग होम खुला हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों में चाहे सपा की रही हो चाहे बसपा की रही हो, और अब ये प्रसपा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रसपा में आ गए हो, सभी सरकारों में प्राइवेट नर्सिंग होम खोलना बहुत आसान था, इसके कड़े प्रावधान। ये डॉक्टर्स पर लगाम कब कसी जाएगी, ये सवाल पूछ रहे हैं। नरेश जी आपसे भी सवाल पूछा, उन्होंने कहा आप भी सरकार में आ गए, पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, चल क्या रहा है ये? पहली चीज ये है कि हमारी अभी पार्टी बने हुए 3 महीना हुआ है, 3 से 4 महीने की हमारी पार्टी है, अभी तो हमारी कोई सरकारी नहीं सर, बनी। अभी आप जीत जाएंगे फिर बोलेंगे हमारी पार्टी अभी बनी, अभी तो अभी हम जीते कोई कार्य कर ही नहीं सकते, अभी तो भाई साहब की सरकार है, भाई साहब को ये सब कम से कम भाई साहब को जगा दीजिए, अगर सो रहे हैं तो वो नींद में तो जगा तो रहे, बराबर कैंडल मार्च कर रहे हैं, रोज आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद भी भाई साहब नहीं जाग रहे तो बताइए क्या करें आप, बताइए पूरा आंदोलन कर रहे हैं रोड पे, एक एक करके आपके पास हमारे सहयोगी आएंगे, अपना सवाल बराबर ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ से लेके लखनऊ तक दे रहे हैं, संवाद होना चाहिए, ऐसे आप करेंगे तो चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक बात मेरी सुन लीजिए, एक एक करके संवाददाता हमारे वही है जी, आ रहा हूँ संदीप जी, एक सेकंड, आप हाथ ऊंचा करें, आपका सवाल पूछा जाएगा। मेरा नाम विनीत सिन्हा है, मेरा सवाल यह है कि हम भगवान डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, मगर अब हम डॉक्टरों के पास जाते हैं तो एक छोटी सी बीमारी को भी एक बड़ा बना करके वो हमसे पैसे की डिमांड भी करते हैं, यहाँ तक कि सरकारी डॉक्टर भी, और हम उनके पास इलाज लगता है डॉक्टर्स के पास जाने में। आज ये स्थिति आ गई है, कुछ चिन्हित डॉक्टर अगर ऐसा करते हैं उसके लिए पूरे एक समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है सर, निश्चित रूप से ऐसे लोगों की संख्या कम है, चिन्हित डॉक्टर हम सारे लोग, हाँ उन्हीं के लिए, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं को शिक्षा के पीछे पहुंचाया जाएगा, आने दीजिए नाम चाहे जो लोग हो, उन्हीं को मैं बता रहा हूँ, अपोलो के डॉक्टर है, सर गंगाराम के डॉक्टर, आपके नाम से थोड़े हमारे आपके कहने से नहीं, जांच में नाम आना चाहिए, आपके सामने कह रहे हैं, नहीं चल रहा हूँ अपोलो का नाम, काम कानून नहीं चलता, आप तो जानते हैं कानून नहीं चलता है, नाम आने दीजिए, जांच के बाद नाम आना चाहिए, मीडिया ट्रायल से पहले नरेश जी आपके पास नाम है, आप अस्पताल का नाम बता रहे हैं तो लिस्ट दे दीजिए ना सर जाके सुबह, बिल्कुल दे रहा हूँ, जांच अधिकारी को लिस्ट दीजिए ना, वो जांच को आगे बढ़ाएगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलता है, कोर्ट में हमारे आपके कहने से कहीं नहीं चल जाता कि मीडिया ट्रायल से कोर्ट नहीं चलता है। आप जो देख रहे हैं आज जनता हालांकि लगातार सवाल पूछ रही है, उसके बाद बहुत सारे सवाल भी है, लेकिन सब एक ही चीज पूछ रहे हैं कि डॉक्टर्स पर कार्रवाई कब कही जाएगी, क्योंकि अब तक एक भी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं हुई है और उनके बिना ये काला कारोबार संभव ही नहीं था। देखिए ऐसा कहना है कि पहली सरकार में लापरवाही नहीं होती थी या पहले होती थी, ये तो सिर्फ एक राजनीति की बात है, सच्चाई यह है कि सरकारी मशीनरी जो पहले थी वही आज भी है, और जांच तो उन्हीं को करना होता है, कहीं ना कहीं वो खाना पूर्ति करके और बड़े लोगों को बचा देते हैं, कार्रवाई के नाम पर छोटे पर गाज गिराते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और कहने के लिए सरकारी सिस्टम को बदल देंगे पहले जैसा था, कहीं ना कहीं सिमिलर वैसा ही आज चल रहा है, जब मीडिया किसी मामले को सामने लाता है इसी के बाद ही हो हल्ला होता है, इसी के बाद हो हल्ला होता है, लेकिन हो हल्ला के बाद कार्रवाई कब की जाएगी? जनता से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, आगे माइक दे दीजिए, एक एक करके सवाल पूछे। सर मैं राजीव शुक्रमा हूँ, जिला उपाध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा। विषय ये है कि जितना जो पहले की सरकारें थी उन सबने जितना लंबा केवल लोगों काला धन लोगों से पैसा सवाल सवाल सर सवाल मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टरों के जो ये लाइसेंस दिए गए हैं ये पूर्ववर्ती सरकारों ने इतनी सरलता से उन लोगों को प्रदान कर दिए, आप हॉस्पिटल खोलिए कुछ भी करिए जनता किसी प्रकार से लूट लीजिए, लेकिन यहाँ पर जब से हमारी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की तब से हम लोगों ने केवल इतना कार्य किया कि जितने भी आम जनता है ठीक है सवाल सवाल सिर्फ सवाल तारीफ है नहीं। हेलो ना सर, एक 16 साल का छात्र जिसको MDR-TB है मैं उसको लेके गया चस हॉस्पिटल कि 16 साल का मुंह से उसको ब्लड आता है तो सर वहाँ पे दवाई मिल रही थी मुफ्त का क्योंकि सरकार की योजना है केंद्र सरकार की सर, लेकिन बेड नहीं थे और ये समस्या आपकी गवर्नमेंट किसी गवर्नमेंट हो, अस्पताल लोग बढ़े हैं बेड बढ़े नहीं है, अस्पताल नहीं बढ़ा हुआ है, डॉक्टर्स है नहीं, बेड है नहीं, काशीराम अस्पताल और किडनी निकाल दे रहे हैं लोग, काशीराम अस्पताल में बेड बढ़ाए जा रहे हैं और निष्बड़े भी हैं, और हमारी प्राथमिकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, खासकर गरीबों को क्योंकि सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं उनको इलाज मिल सके। प्राइवेट अस्पताल में लोगों को किडनी निकाल दी गई सर, आप देखे ना कार्डियोलॉजी देखिए हमने उसको एक्सपेंड किया है, इस सरकार ने कार्डियोलॉजी को एक्सपेंड किया है, काशीराम को एक्सपेंड किया है, हमारी ये प्राथमिकता है कि गरीबों को चिकित्सा मिले, अस्पतालों को एक्सपेंड करना और अस्पतालों पर कार्रवाई करना। एक्सपेंड किया मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 100% आप सही है, कार्रवाई कब करेंगे? मैंने फिर आपको बताया ना, अभी
जो लोग चिन्हित हुए, जिनके नाम FIR भी, जो बिचौलिए थे, जो समझ में आया उनको गिरफ्तार किया गया, जांच आगे बढ़ेगी, SIT का गठन हुआ, जो भी लोग होंगे पीछे उनके, उनको पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या है कि अभी तक का जो भी आप सब लोग हैं या भाई साहब अभी बात कर रहे थे, वो पूर्ववर्ती सरकारों के किए गए कार्यों से ग्रसित हैं, इसलिए कह रहे हैं ऐसा साफ नहीं होगा। 2 साल हो गए सर, इंतजार कीजिए, आप ये माइलस्टोन होगा, ये आपके लिए उदाहरण होगा, ये उदाहरण बार बार आपको याद दिला रहा हूँ कि अब आप पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। 2 साल आपने प्रदेश में बिता दिए सर, हकीकत देखिए, जमीन पे कार्रवाई नहीं होगी, आने दीजिए ना, कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई नहीं होगी नहीं पूछा सर, मैं पूछ रहा हूँ कार्रवाई कब होगी, बिल्कुल होगी ना, SIT गठित हुई, जांच जो सवाल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कार्रवाई होगी तो होगी कब, बिल्कुल होगी, आप पहले से कह देते नहीं होगी, यही क्वेश्चन कर रहा हूँ, जनता कह रही है, आंकड़े देख रहे हैं ना आप, मौके पर देखिए ना, जमीनी हकीकत देखिए सर, लोग पकड़े गए, जाता है मौके पर, देखता है मौके की बात चालू हुई है, जांच चालू भाई, लोग पकड़े गए, जो भी लोग उनके पीछे आएंगे उनका पन्ना किया जाए, तब आप कहिए, आप पहले से कहेंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं है, नहीं होने वाली बात नहीं है, लेकिन खानापूर्ति होती रही है, और अभी कुछ ऐसा नहीं, अभी आपके सरकार में बहुत से मामले छोड़ दिया जाता है, नीचे के लोगों को पकड़ लिया जाता है, ऐसा होता होगा, यहाँ हाईलाइट हो रहा है, अब नहीं होगा, जो भी चाहे जितना बड़ा नाम हो किसी की कांड के पीछे, उसको शिक्षकों के पीछे भेजा जाएगा और जेल भेजा जाएगा, आप कह रहे हैं बिल्कुल दावा कर रहे हैं, लड़की का उसमें क्या कार्रवाई हुई, यही उर्सला में हुआ था मामला, अभी 2 महीने पुराना मामला, ज्यादा नहीं हुआ, 2 महीने ज्यादा नहीं हुआ, बिल्कुल हो रही है कार्रवाई, किसी में नहीं हुआ, कोई डॉक्टर नहीं है, कार्रवाई डॉक्टर पर कार्रवाई हो रही है, किसी डॉक्टर पर कार्रवाई हो रही बताइए, अरे बिल्कुल सर कार्रवाई हो रही, डॉक्टर पर कार्रवाई हुई ना, ठीक है, मैं इसी बीच, आप प्रार्थी अपना वो वापस ले लेता है, प्रार्थी बयान देने नहीं जाता है सर, ये प्रार्थी डरता है क्या, प्रार्थी डरता है किसी से, इतना दबाव बना दिया जाता है, 1 मिनट नरेश जी, क्यों क्यों प्रार्थी अपना वापस ले लेता है केस, मैनिपुलेशन होता होगा निश्चित, कौन करता है मैनिपुलेशन सर, कौन करता है, निश्चित रूप से ऐसे लोग जो ताकतवर लोग होते हैं, लालच देके, लोभ देके, या इस प्रकार वही वही बड़ी मछलियां होती है सर, जो ताकतवर लोग होते हैं वही बड़ी मछलियां होती हैं, पीछे जनता सवाल करना चाहती है, पीछे आगे भी वही ये सरकार है, ये सरकार पूरी तरीके से गरीबों के पास माइक आएगा, आपके पास माइक आएगा, सवाल शुक्ला जी से है, शुक्ला जी ने कहा, कौन से वाले शुक्ला जी से, नहीं बीजेपी के प्रवक्ता थे, कि उन्होंने कहा कार्रवाई होगी, जबकि यह मामला करीब 1 महीना पहले FIR दर्ज हुआ था, और जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेदांता महक जैसे हॉस्पिटल का नाम ले लिया है, फिर जब उन्होंने नाम ले लिया भक्तों ने, अभी तक क्या किसका इंतजार हो रहा है, कारण यह अगर छोटा कोई हॉस्पिटल कोई डॉक्टर होता तुरंत कार्रवाई हो जाती, ये नामी होने के कारण नाम उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ठीक है, देखिए जांच अधिकारी पे भरोसा रखिए, किसी के कहे गए, लेट मी कंप्लीट, आपने जो मीडिया में बयान आया कि उन्होंने इनका नाम लिया उनका नाम लिया, ये नाम लिए गए हैं या नहीं लिए गए, ये जांच अधिकारी जानते हैं या देने वाला जानता है, आप निश्चित रूप से विश्वास रखिए, ये सरकार गरीबों को समर्पित है, कोई भी नाम हो कितना भी बड़ा नाम हो अगर इस घृणित कृत्य के पीछे है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, ये इस लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है शुक्ला जी की तरफ से, बिल्कुल विश्वास, और हम भी यही चाहते हैं, शुक्ला जी लगातार आश्वासन दे रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं कार्रवाई हो, लेकिन संदीप जी कुछ अहम सवाल आपने उठाए, क्या जरूरत महसूस होती है कि इस मामले में कानून और कड़ा होना चाहिए ताकि आदमी सोचे समझे ऐसा कृत्य करने से पहले, बिल्कुल कानून कड़ा होना चाहिए इस पे, और मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए, इतना बड़ा अपराध है ये, मैं एक बात जो हमारे भाजपा के मित्र हैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों का जो गलत कार्रवाइयाँ थी उसकी वजह से ये सब है, तो भैया गलत कार्रवाई उन लोगों ने करी तभी तो वो गए सरकार से, अब आप कर रहे हो तो आप भी जाओगे, आप क्या कर रहे हो, आप कुछ अच्छा करो, आप देखिए ना गिरफ्तार के आगे भी जो लोग होंगे कुछ नहीं किया आपने, आपने भी गिरफ्तार होंगे, सबको बचाने का काम, आप कहां बचाने काम, अभी तो आपने सबको बचाने का काम किया, पहले से कह दे ये नहीं होगा, बड़े लोगों को बचाने का काम ये सरकार कर रही है, होगा तो आप देखिए तो हो रहा है और होगा, आशावादी बने ऐसा कह रहे हैं शुक्ला जी, अब आशावादी कब तक बने रहे और ये आशा हमारी कब तक रहेगी, अधिकारी ये सरकार की प्राथमिकता ना होती तो ये भी मामला दब जाता, अभी गिरफ्तार किए गए ना लोग, गिरफ्तार किए गए, लेकिन सवाल ये उठता है, मैं नरेश जी आपके पास आ रहा हूँ, सवाल ये उठता है कि बड़े लोगों पर कार्रवाई को लेकर सभी लोग पूछ रहे हैं, अस्पतालों के नाम है, कुछ ऐसे डॉक्टर्स के नाम है जिन पर जिनको अवार्ड मिला है पद्मश्री से, वो सम्मानित किए गए, उन पर भी आरोप है, हालांकि सिद्ध नहीं हुआ है, वो कहाँ है, कैसी पूछताछ होगी, नरेश जी एक छोटा जवाब आपका, अब आप भाई साहब रहते हैं कानपुर का पूरा भ्रमण करते हैं, एक बार भाई साहब पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण कर लें, और ये किडनी का जो मामला है ये छोटा मामला नहीं है, हाँ। ये किसी सामान्य व्यक्ति की जान का मामला है, हाँ। समझ रहे हैं आप, वो जाता है इलाज के नाम पर और उसको मिलता क्या है, वहाँ से धोखा, तो अब आपकी सरकार है, आप सत्ता में हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, हाँ। तो आप इन पे भी लगाम लगाइए, नौकरी दिलाने के नाम पे उनको ले जाया गया,
कि नौकरी दिलाएंगे, बाद में उनको होटल में रखकर उनके टेस्ट वगैरह किए, तब उनको संदेह हुआ कि ऐसा कोई मामला लेकिन है। आप सोचिए थोड़ा सा, आप ठीक है शुक्ला जी, आप छोटे बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से ऐसा होता रहा है। मैं राजनीतिक पार्टी से तरह एक सवाल कर रहा हूँ। एक आदमी जो 80 लाख रुपए ऑपरेशन के देना चाहता है, लीवर लगवाना चाहता है, उसका रिश्तेदार जैसा गरीब आप बता रहे हैं कि नौकरी के नाम पर देखेगा, क्या डॉक्टर को पता नहीं चला कि 80 लाख रुपए का आदमी और उसका रिश्तेदार ऐसा, क्या ये छोटी छोटी चीजें सवाल नहीं खड़े करती हैं कि सबकी मिली भगत होगी? सर मैंने आपको बताया ना कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कनेक्शन बने हैं, कलकत्ता से पकड़े गए लोग, दिल्ली के तार जुड़े हुए हैं, ऐसे पूरे अंतरराज्यीय एक गिरोह है जिसका पर्दाफाश हो रहा है। इसमें जो भी लोग होंगे, मैं फिर वही बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि क्योंकि पहले ऐसे लोगों को बचाया जाता रहा, जो बड़े लोग होते थे, जो बड़े नाम होते हैं, उनसे बचाया जाता रहा उनके प्रभाव में या उनके पैसे के उससे, लेकिन इस सरकार में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े लोगों को जेल जाना पड़ा। हमारे यहाँ आप देखे ना, विक्रम कोठारी ऐसे लोग जो है पैसे लेके भागे थे, वो सब जेल के अंदर रहे साल साल भर में जमानत। भाई आत्माराम खत्री खत्री परिवार जिनके यहाँ करोड़ों रुपए का नोट मिले, वो सब जेल के हवा खाते रहे। इस सरकार में इस जीरो टॉलरेंस से कोई भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, आप इंतजार करिए, वो भी आ रहे हैं। तो जो भी नाम हो इसके पीछे, इस गणित के पीछे जो भी नाम हो, कितना भी बड़ा नाम हो, उनको टॉलरेंस नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में उनको लाया जाएगा और उनको जो भी सजा होगी सख्त से सख्त वो सजा दी जाएगी। आप विश्वास रखिए इस बात का। पवार साहब देखिए, सजा का और कानून का जो प्रावधान है, कहीं ना कहीं कानून हमारे देश में कोई कमजोर नहीं है। मामला यहाँ आता है कि उसका जो पालन करने का जिम्मेदारी जिसकी है, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाते हैं, और पूर्ववर्ती सरकारों में भी यही था, और कहीं ना कहीं उसी तरीके की भावनाएं अधिकारी आज रखे हुए। इसमें कोई कहने में दोष नहीं है कि जब तक सरकारी मशीनरी को बदला नहीं जाएगा तो सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। मशीनरी तो वहीं पर है, सरकारी मशीनरी वैसे घिस घिस कर चल रही है, बिल्कुल उसमें ऑयलिंग की बहुत जरूरत है, ऑयलिंग आप देंगे, जनता से भी हमारी यही उम्मीद है, और जनता इसीलिए चुनती है, इसलिए चुनती कुछ बदलाव होगा, इसलिए आज हमने बिठाया है और आपको भी मंच दिया है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विशाल नाम बताइए, सवाल पूछिए। विनोद गुप्ता। हाँ, सवाल ये है कि जो लोग भी बैठे हैं इस मंच पर, हाँ, सबका आपसे कह रहे हैं कि आप जाके देखिए, अगर स्वयं हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि हम गरीब आदमी की कितनी सेवा करते हैं, केवल मरता गरीब आदमी है उसके लिए कोई सरकार नहीं सोचती है। हम किसी सरकार के लिए ये नहीं कहते ये अच्छी वो अच्छी है, आपका कहना जाके देखना चाहिए लोगों, बिल्कुल को देखना चाहिए, जिस लोगों से सारे जिम्मेदार लोग जो बैठे हुए हैं, हाँ, अपने चाहे वो ठीक है, मैं एक एक जवाब, चाहे वो विपक्ष में हो, जो विपक्ष में होते हैं उनकी जो कर्म भूमि होती है वो काम करने की होती है, और जाकर देखे कहां पर गलत हो रहा है। एक एक करके मैं जवाब ले लेता हूँ। पहले संदीप जी, आप उनका कहना है, आप बोल रहे हैं आप चले जाइए हम दे देते, अरे खुद जाइए ना। बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को इस तरफ सोचना चाहिए, इसके प्रति लोगों को प्रेरित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और मैं जानता हूँ ये रक्षक संस्था चलाते हैं और गरीबों की सेवा करते हैं, मैं इनका धन्यवाद देता हूँ इस मंच से। ठीक है, और बहुत अच्छी बात कही, मैं आपका स्वागत। यहाँ पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जनता के और सवाल होंगे, आप लोगों के पास भी मैं आऊंगा, क्योंकि लगातार सुलगते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं और सवाल यही बरकरार है कि ये काला खेल कैसे चलता रहा। इसका खुलासा हुआ है, लेकिन अब भी छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई है, बड़े लोगों पर कब शिकंजा कसा जाएगा, ये सवाल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार पूछ रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर की इस धरती से लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मानव अंगों की तस्करी करने का मामला इस कानपुर शहर से सामने आया, और इसके तार यहां तक नहीं कोलकाता दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। कई बड़े अस्पतालों के नाम भी हैं, उन पर आरोप लगा है, लेकिन सवाल यही कि उन पर शिकंजा कब कसा जाएगा। और सवाल ये भी कि पीड़ित और गरीब लोगों को बरगलाया जा रहा था, तब लोग कहां थे, तब सरकार कहां थी, तब प्रशासन कहां पर था, तब स्वास्थ्य विभाग कहां पर था, तब भगवान का दर्जा जिस डॉक्टर को हमने दिया है वो कहां पर था। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर शुक्ला साहब मैं आपके पास आऊंगा। लखनऊ का सदर निवासी वरदान नाम का एक शख्स है जिसकी किडनी निकाली गई, उसका जिक्र मैंने पहले भी किया, उसकी बेटी का ऑपरेशन था, उसे झांसा दिया गया कि आपकी बेटी का ऑपरेशन कराएंगे, उसकी किडनी निकाल ली गई, बेटी का ऑपरेशन नहीं हुआ, 2.5 लाख देके उसे चलता कर दिया गया। दूसरा मामला सामने आता है, ऐसे कई लोग हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है सर कि जब एक आदमी के साथ ऐसा होता है तो आप इसको लेकर किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या आपको लगता है कि हाँ हम खुद जिम्मेदार हैं, हमारी गलती हुई, या स्थानीय प्रशासन की गलती है, या स्वास्थ्य विभाग की गलती है? देखिए, ये चाहे ये घृणित करते हो या अन्य घृणित करते हो,
किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदार पूरी रूप से ठहरा देना जायज नहीं होगा। इसमें तो लेनी पड़ेगी सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों की भी है जो इस कृत्य को कर रहे हैं। जो डॉक्टरी जैसे एक पुण्य पेशे को बदनाम कर रहे हैं, वो इतना नीचे गिर गए हैं, पैसे कमाने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं कि वो मानव अंगों की तस्करी कर रहे हैं गरीबों की। प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदार लोग तो वही हैं जो इस घृणित काम कर रहे हैं। दूसरी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि वो ऐसे लोगों को ऐसे कृत्य करने से रोकें, ऐसे लोग जो इसके जिम्मेदार हैं उनको शिकंजे के पीछे भेजें, एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे दूसरे ऐसे लोग इस घटना की पुनरावृत्ति ना कर सकें। ये लोग, ये होना चाहिए और ये होगा, ये निश्चित रूप से ऐसे जो मामले आपने जो मामला आज उठ के आया है इसमें ऐसा ही होगा कि एक उदाहरण प्रस्तुत होगा जिससे ऐसे प्रकार के कृत्य करने वाले दोबारा पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। क्या आपको लगता है सरकार उदाहरण पेश करेगी, मिसाल पेश करेगी कि हाँ हमने कार्रवाई की? ऐसा हमें तो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्यों नहीं लगता है कि आप देख लीजिए क्या पोजीशन है, जर्जर पोजीशन है कानपुर की। हाँ। चिकित्सा जगत में आप देखिए, कहीं भी किसी हॉस्पिटल में चले जाइए आप, इलाज के नाम पे हर जगह 1100 लोगों को आयुष्मान योजना के तहत 1135 लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। फ्री डायलिसिस की सुविधा यहाँ सरकारी अस्पतालों में फ्री डायलिसिस सरकारी अस्पतालों में कानपुर में है। शुक्ला जी बता रहे फ्री नहीं है सर, कानपुर में आपको पता नहीं है, मौके में देखिए जाके आप वो बता रहे ना सर, जाइए आयुष्मान मशीन आप पोजीशन देखिए कि कोई डायलिसिस करा रहा है। 1135 लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है सर, केवल किताब में दिया हुआ है, कागजों में दिया गया है। हर सरकारी अस्पताल में आयुष्मान मित्र उपलब्ध है। ठीक है सर, मैंने इस चीज को देखा है बहुत करीब से। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा, पहले उनका सवाल ले लेता हूँ। मेरा नाम कमल मिश्रा है जी, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। हाँ। एक प्रश्न मैं सभी सरकार के सभी नुमाइंदों से भी करना चाहता हूँ। हाँ। कि सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे काबिल बड़े भाई ने एक बात कही। हाँ। कि सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर को हम लोग भगवान मानते हैं। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरे काबिल बड़े भाई ने एक बात कही थी कि गरीब आदमी एप्लीकेशन वापस ले लेता है। आईपीसी की धारा 353 और आईपीसी की धारा 332 जिसमें सेम डे बिल नहीं है, हाईकोर्ट से वो जमानत कराएगा, उसको झूठे मुकदमे में दबाव बना के फांस दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप मुकदमा कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो आपके खिलाफ ये हो जाएगा। आप बताइए एक गरीब आदमी मुकदमेबाजी देखे या अपने परिवार को देखे या क्या करे? दूसरी बात, दूसरा इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ। कि सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है और वो वहां से क्लाइंट लेके आता है, यहां से फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो सरकारी में कर लेंगे। तीसरी मजबूत बात, हाँ। कानपुर में 4 बड़े सरकारी हॉस्पिटल है, हैलेट है, काशीराम है, रामा सेंटर है और उर्सला अस्पताल है। तीनों जगह में बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके खिलाफ अभी मीडिया ने कई बार लिखा कि फर्जी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। जांच कमेटी गठित होने के बाद में क्या करती है? कुछ नहीं करती, सो जाते हैं सब लोग, सब सो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है कि धारा, ये धारा इतनी सख्त है कि आदमी, गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे लेता हूं, फिर पवार साहब आपके पास आऊंगा। ये कानपुर का सत्य है सर, आपके सामने आ रहा है, ये पब्लिक कह रही है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। सर आपको भी कहना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, पब्लिक तो कह रही है, आंदोलन बराबर कर रहे हैं इस पे। आप अगर सामने एक ऑप्शन बनेंगे तो जनता भी आपकी आवाज सुनेगी। पवार साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं चारों अस्पतालों में हालत दयनीय है, शुक्ला साहब दावे कर रहे हैं, सच्चाई आखिर है क्या? बिल्कुल जैसा कि कहा जा रहा है कि चूंकि मैं पत्रकार हूं और मैं भी खुद अस्पतालों में देख रहा हूं। हाँ। कि पहले जैसे हालात थे लगभग लगभग वैसे ही है, क्योंकि डॉक्टर तो वही बैठा हुआ है और जो हमारे जनप्रतिनिधि बनाए गए हैं पब्लिक ने जिसको जिम्मेदारी दिया। हाँ। है कहीं ना कहीं वो आज अभी भी घर से निकलना नहीं चाहते। सीएमओ साहब नहीं जाते कभी अस्पताल में, डीएम साहब कभी रुक नहीं करते अस्पताल का? बिल्कुल करते हैं, उनके लगातार विजिट होती है, आप लोगों ने अखबारों में छापा है उस चीज के लिए जो कमियां पाई जाती है। हमारे पार्टी के नेता विजिट करते हैं, उनको भी आप लोगों ने अखबार में प्रमुखता से छापा है, जो कमियां दिखाई पड़ती है उनको उजागर किया जाता है। एक घटना में आपको याद दिलाता हूं, जिम्मेदारी से कहते हैं, एक घटना में याद दिलाता हूं, बीआरडी अस्पताल की घटना आपकी सरकार में हुई थी, योगी जी का 2 दिन पहले इंस्पेक्शन था, उसके बाद वो जाते हैं और उसके बाद इतनी बड़ी घटना होती है। सवाल ये है सर, इंस्पेक्शन के बाद क्या सब सो जाते हैं चद्दर तान के? किसी कोई मतलब नहीं, इंस्पेक्शन वाले दिन सब नादों के तैयार हो जाते हैं, बाद में सो जाते हैं। मामला जब जुलंत मीडिया लाता है। हाँ। तभी हो अल्लाह होता है, मीडिया से बात खत्म हुई इसके बाद काम खत्म हो जाता है, किसी को पब्लिक चिंता ना, कैमरे के सामने सब कुछ दिखा दिया जाता है लेकिन आगे फिर सब ढाक के तीन पात हो जाते हैं। कागजी आंकड़े चलते रहते थे पहले भी, आज भी वही चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि सरकारी मशीनरी चूंकि बैठी हुई है, वही डॉक्टर है, वही आईपीएस है, वही आईएएस है, कहीं नहीं उसमें भी ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को देखना चाहिए ना। मैं जनता के पास आ रहा हूँ, एक आप माइक सवाल तैयार रखें। शुक्ला साहब, मशीनरी क्या घिस गई है सर, जंग लग गई है?
निश्चित रूप से एक जिस कंफर्ट लेवल में या जिस लेवल में वो काम करने का, जिस माहौल में काम करने की आदि रही है मशीनरी, लगातार ऐसा होता आया है उस माहौल में वो अभी हैबिचुअल है। उसकी ऑयलिंग कौन करेगा सर? उसकी ऑयलिंग कर रहे हैं ना, हमने उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करी, सुबह 9 बजे अधिकारी बैठाना तय किया, समय समय पे हमारे जनप्रतिनिधियों, हमारे लोगों ने वहाँ विजिट करना तय किया। पूछता हूं मैं, हम लोगों ने जनता से पूछ लेते हैं सर, मिल रहे हैं डॉक्टर 9 बजे मिल जाते हैं सीएम? महिलाएं भी कुछ हमारे साथ जुड़ी हैं, महिलाओं के सवाल और लड़कियां भी कुछ हैं हमारे साथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो आयुष्मान योजना, ये जो आयुष्मान वाला है, इन्होंने मेरी एक जो नानी है उन्होंने डायलिसिस कराया है, फ्री इलाज हुआ है, सरकार के राज में भाजपा सरकार में फ्री इलाज हुआ है, ये मैंने पहली बार देखा है। और अच्छा ट्रीटमेंट हुआ और वहाँ पे सफाइयाँ हैं। हाँ, ये देखा, ये कमियाँ देखी आपने? कमियाँ मैंने नहीं, मैंने कमियाँ देखती तो मैं फट से उंगली उठाती, बस ये देखा वहाँ पे सफाई इतनी अच्छी है, वहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छा, सरकार की मेरी तरह से तालियां। मैं सवाल तालियां जरूर बजाई जा रही हैं, सवाल भी खड़े के जा रहे हैं, सवाल पूछे जी। मेरा नाम विक्की पंडित है, मैं सबसे पहले तो जिन्हें उसका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो ऐसा प्रकरण सामने लाए। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे लिए हमारे दुर्भाग्य के लिए ये बात है कि 70 सालों के बाद भी हम ये सब चीज़ें आज की डेट में झेल रहे हैं हिंदुस्तान में, ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, इसका जवाब अगर कायदे से देना चाहिए तो कांग्रेस सरकार को देना चाहिए, 70 सालों तक उन्होंने ऐसा किया है। मैं चाहता हूँ कि सवाल हम अपने लिए पूछें, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन इलाज आप लोगों का होगा, और ऐसा खेल कल को हो ना हो आपके साथ भी हो सकता है, आप भी सावधान रहिए। मैं सीधे सवालों को एक बार फिर आपके पास लेके आता हूँ संदीप जी, नरेश जी, इसके बाद आपके पास आऊँगा। सर शुक्ला साहब लगातार दावे कर रहे हैं, जनता भी कह रही है, अस्पतालों में क्या वाकई आपको लगता है कि बदलाव ज़रूरी हो गया है अब, या धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, ये मान रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल बदलाव नहीं हो रहा है, अस्पतालों में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की ज़रूरत है, डॉक्टरों को नियमित करने की ज़रूरत है। सर अस्पतालों के अलावा मैं एक चीज़ और आपको ऐड कर देता हूँ, शुक्ला जी आप सुनिएगा, अस्पतालों में परिवर्तन हो रहा है ठीक है, लोगों का डायलिसिस हो रहा है, सर यहाँ लोगों की किडनी निकाल ली गई सर, वो किसी को पता नहीं चला सर, सबसे बड़ा सवाल यही सर, है। पता चला तभी तो जेल जा रहे हैं ना लोग, कितने कब पता से चला तभी तो जेल जा रहे हैं, रैकेट पता कैसे नहीं चला आप? रैकेट में बताता हूँ सर, पता चला बिल्कुल, रैकेट कब से चल रहा था, रैकेट कब से चल रहा था, कब से चल रहा था, पकड़े गए संज्ञान सर, कब से चल रहा था रैकेट, पकड़े गए आप, कब से चल रहा था सर, पूछ रहा हूँ मैं, रैकेट कब से चल रहा था? वो 2 साल भी हो सकता है, 20 साल से भी चल रहा हो सकता है, 40 साल से भी चल रहा होता है, 40 साल से 6 लोग, 40 साल से 6 लोग रैकेट चलाएंगे, चेहरे बदलते रहते, क्या 6 लोग रैकेट चलाएंगे? 6 नहीं, चेहरे कह रहा हूँ ना, चेहरे मैं कह रहा हूँ सर, 6 लोगों पर कार्रवाई मंजूर नहीं है, मंजूर तब होगी कार्रवाई जब उचित लोगों पर, जो लोग बड़े लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल होगी, सवाल बिल्कुल होगी। हाँ आप, जांच हुई है, जांच हो रही है, SIT गठित करी गई है, मैं कह रहा हूँ ना, चूंकि है क्या कि ऐसा एक माहौल हमेशा से रहा है, उस जिस जोन में, कंफर्ट जोन में अधिकारी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के हो या पुलिस के अधिकारी रहे हो, जिस प्रकार से उनका कृत्य रहा है, जैसा उनका व्यवहार रहा है, उसी वैसा ही हमारे माइंड मेकअप बना हुआ है, ऐसा करेंगे। बहुत छोटे मैं संतोष जी के माध्यम से, संतोष शुक्ला जी के माध्यम से ये बात आपकी सरकार तक भेजना चाहता हूँ कि ठीक है, अभी आपकी सरकार यहाँ भी है, यूपी में भी, केंद्र में भी है, तो कृपया करके ये बात पहुंचाएं वहां तक कि जो परिवर्तन होने हैं या जो चीजें छूट गई हैं पिछली सरकारों से, वो प्लीज आप लोग कराएं ना, आप लोग क्यों नहीं करा रहे? सारे थे, मैंने कुछ नहीं करा रहे, आप लोग सिर्फ जुमलेबाजी, फ्री इलाज मिल रहा है, जुमलेबाजी ना, मिलिए ना लोगों से, आपके सामने पब्लिक का जुमलेबाजी की सरकार है, आपके अलावा कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है, हो रही है, जनता परेशान है, लोगों को देश प्रदेश की जनता परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, आप एक विचारधारा से जुड़े हैं, कोई विचारधारा की बात नहीं है, गरीब की बात सामने कह रहे हैं, गरीब की बात है, गरीबों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं सरकार मैं बता रहा हूँ, और जिसको ना मिल रहा उसमें इस बीच एक वादा भी किया है संदीप जी ने, उसको दिलाया जाएगा, संदीप जी ने अपोलो हॉस्पिटल का नाम लिया है, उनके डॉक्टर्स पर उनके पास लिस्ट भी है, कल आपको दे देंगे, और मैं पूछूंगा सर, अगर अपोलो हॉस्पिटल का कोई भी व्यक्ति दोषी को जांच अधिकारी को दे, लगातार पूछेंगे, अपने जांच में उसको सम्मिलित आपको दूंगा, मैं नरेश जी के पास आ रहा हूं, आपको लगता है अपोलो अस्पताल या कोई अस्पताल या कोई डॉक्टर सम्मिलित है तो जांच अधिकारी से अपनी जानकारी शेयर करे, वो उसमें जांच में योगदान करें, आप योगदान करना चाहिए, नरेश जी बहुत छोटा जवाब आपका, मंच पे कहने से नहीं, आप जांच अधिकारी को अगर लगता है कोई भी अस्पताल आप गए सर, जांच अधिकारी तो जांच अधिकारी को नाम दे, आप गए सर कोई जांच पे आपने आवाज उठाई? सर कितने आंदोलन हम लोगों ने, कौन सा क्या आंदोलन, जनता PSPL ने आंदोलन किया, मशीन हटाई है, और ये ऐसे तमाम से नहीं, विपक्ष कमजोर है, ये नहीं, विपक्ष अपनी बात रख रहा है, बराबर आंदोलन कर रहा है, 4 महीने में इतने आंदोलन किए कि आप देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड बैठ जाइए,
आप कह रहे हैं विपक्ष का होना चाहिए, ठीक है, बराबर सर, आपके पास आखिरी अधिकार है, बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग बलपूर्वक आखिरी अधिकार है, वही मैं कह रहा हूँ। मैं एक एक कर जनता से हम सवाल लेना चाहते हैं, कुछ और लोग भी आ गए जुड़ गए सवाल लेना चाह रहे हैं, माइक दीजिए उनको, सवाल करें अपना। मैं शोभित तिवारी जी, इसकी मेन जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था आज की डेट में, आपके स्पेशल नाम ले रहा हूँ, आपकी ढाबा के क्षेत्र में दो दो कमरे में यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं, दो दो कम यूनिवर्सिटी वहाँ, आपके राज्य में नकल अध्यादेश को बंद कर दिया गया, तो आपको कहना है कि नकल से डॉक्टर ऐसे बन गए जी, पैसा और नकल जी का हमारे से हाँ। कोई कारण नहीं है, ठीक है, पैसा और नकल बड़ी जिम्मेदारी, शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए ताकि डॉक्टर सुधरे। और सवाल, हेलो, हाँ जी, राजेश गौड़ बोल रहा हूँ मैं, हाँ। और ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है ये आज से ही नहीं चल रहा, 5 साल की सरकार से, हाँ। ये बहुत पहले चल रहा है, जो 70 साल की अभी सरकार हुआ, नहीं हुआ, अब तो ठीक हो गया, सारे जितने मुजरिम है सबको अब धीरे से बहुत ठीक हो रहा, और जितने लोग हैं सबको सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी, दोबारा ये लोग सवाल सवाल करो, सवाल सवाल करिए, सवाल सवाल है आपका, नहीं है सवाल, किसी के पास नहीं है सवाल, है किसी के पास? बसपा गवर्नमेंट में घोटाला हुआ था, हाँ। राजन बसपा हाँ। गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार थी और उसको जो सजा मिली है अब, और सर एक चांदनी नर्सिंग होम में कांड हुआ था, आज भी वो हॉस्पिटल चल रहा है, हाँ। तो आपका कहना है कार्रवाई बहुत स्लो होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पहली बात तो ये कार्रवाई कब होगी, विशाल इधर आ जाइएगा, इधर भी कुछ लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, मैं तब तक एक एक जवाब ले लेता हूँ। शुक्ला साहब, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, आप कह रहे हैं कार्रवाई होगी, योगी जी कहते हैं देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है, बिल्कुल सहमत हूं, तो ये कितनी देर लगेगी पूछ रहे लोग बाग, और कितना इंतजार करेंगे ये? बिल्कुल इंतजार नहीं है, लोग पकड़े गए हैं, लेके जाइए ना इन्हें, आप कानपुर शहर में है, आपको कोई बड़ा शहर नहीं है, ज्यादा छोटा शहर है, एक दूसरे को जानते हैं लोग यहाँ पर, आप दोनों अगर बिल्कुल मैं ऐसे मामले में गरीबों के मामले में अगर आप मेरे पुराने मित्र हैं, कॉलेज के मित्र हैं, मैं इनके साथ चलने को तैयार हूँ, ये मुझे लेके चलें, सरकार कांग्रेस के हमारे भाई बता रहे हैं, उसके बाद भी भाई ना जागे तो बहुत बड़ी बात है, विपक्ष कैसे विरोध कर दे रहे हैं कि इनका नाम है, आप अगर किसी का नाम है या कोई अध्यात्मक या कोई विपक्ष विरोध कर रहा है, उसके बाद सामने आपके लाइफ नाम ले देने से, और इससे ज्यादा क्या विरोध नाम ले देने से, आपका नाम ले देंगे आप दोषी नहीं हो जाए, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या कोई ऐसा एविडेंस है तो उसको जांच अधिकारी के साथ शेयर करना चाहिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक सेकेंड कंप्लीट करें उसके बाद जवाब देना, सवाल कुछ पूछ रहे हैं आप, रोड पर संघर्ष करे, अगर रोड पर चार महीने की हमारी सरकार है सर, चार महीने में भी हमारी पार्टी बनी है, भी मरता है केवल मीडिया, शिवपाल सिंह यादव जी हमारे बराबर आंदोलन बराबर घूम रहे, ठीक है, मैं पवार साहब के पास जाऊंगा, पत्रकारों की बात हुई है, मीडिया की बात हुई है, लंबे समय से कानपुर कवर कर रहे हैं, एक सेकेंड पवार साहब आपका ही पक्ष रख रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर बिठाया है ताकि कोई झूठ बोले, कोई इधर उधर जाए तो वो सीधे पॉइंट पर लेके आए, मैं फिर आपको उसी पॉइंट पर लेके आता हूँ सर, इतना बड़ा रैकेट चलता है, कोलकाता के सेठ का नाम आता है, दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल का नाम आता है, आरोपी अभी तक FPSRI का नाम आता है, आपको लगता है इस मामले में SIT का गठन करना उचित कदम था सरकार का, और आगे भी ऐसे कड़े कदम उठाने की और ज़रूरत भी है? देखिए, पहला मामला जो अभी हमारे मित्र लोग यहाँ पर कह रहे हैं, हाँ, कि हमने आंदोलन किया या उन्होंने क्यों नहीं किया, बीमारी या जो गंभीर रोग हैं ये किसी पक्ष और व्यक्ति से महत्व नहीं रखते हैं, ना इनसे पार्टी से मतलब होता है, ये एक आम पब्लिक का मसला है, हाँ। और चाहे सत्ता हो या विपक्ष, इस मसले पर सभी को ध्यान देना चाहिए, और जिन अस्पतालों में लापरवाही या भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर दोनों पक्षों को कार्य करना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले उजागर किए जाएं, साथ ही जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं उन लोगों के लिए सरकार को चाहिए कि यदि कोई भी मामला ऐसा संज्ञान में आता है तो कड़ी कार्रवाई हो, और गठन जो किया गया है इसकी जांच का दायरा कम से कम समय रखा जाए, ठीक है, जांच का दायरा, लेकिन इस बीच सवाल ये, शुक्ला साहब, हर जिले में बिचौलिए मौजूद हैं, क्या इस कांड के बाद किसी जिले में किसी DM ने या CMO ने कोई कार्रवाई की है, कोई दौरा किया है आपकी जानकारी के मुताबिक? सर, बिचौलिए वहाँ बैठ के कोई काउंटर लगा के तो बैठते नहीं है,
सर, ये लोग जनता के बीच में, मैं बताने दीजिए, ये लोग जनता के बीच में जाके जो ऐसे लोग गरीब लोग हाँ। और जिनको भ्रमित करके उनको जाल में फंस के अपने लाभ के लिए काम करते हैं हाँ। और वो ऐसे क्लाइंट ढूंढते हैं कि जिनके प्रत्यारोपण में जिनके फैमिली मेंबर्स नहीं है या हाँ। सक्षम नहीं है, जिनको नजदीकी आ रहे हैं, ऐसा ये करते हैं निश्चित रूप से। ये बिल्कुल रूप से मैं आपको हाँ। मैं उसी जगह आप कंप्लीट करें उसके बाद ही सवाल करूंगा। जी हाँ, निश्चित रूप से जो दो चीजें हैं, एक तो पहली चीज है कि कोई घटना घटित होती है उसके बाद उसको सजा का प्रावधान और उस पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जिससे दूसरे लोग ना हो। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए कि ऐसी घटना हुई ना हो। इसमें इसके लिए ये केवल कानून से नहीं होने वाला है, इसके लिए समाज के सभी तबके का अपना योगदान देना होगा। फिर आपको सब ऐसी चीजें होंगी कि समाज का पर्दा नहीं लेने दूंगा सर, आज मैं बिल्कुल आपको समाज का पर्दा नहीं लेने दूंगा। आप अपनी जिम्मेदारी सजा देना, अपनी सारी जिम्मेदारी समाज पे क्यों थोप रहे हो? सारी जिम्मेदारी कानून की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस होता है, आपका इंटेलिजेंस हो रहा है कि काम करने लगा बैठते हैं, तो इंटेलिजेंस किस काम का? सरकारी आपका तंत्र फेल हो गया, तंत्र नहीं फेल हो गया, तंत्र फेल हो गया तो जेल में नहीं होते। स्वीकार कर रहे हैं तंत्र फेल हो गया तो जेल में नहीं होता। पिछली सरकारों में लोग जिन लोगों ने किडनी ले ली अपने घर में बैठे होता जिनको पैसे दिए वो मर गए बेचारे। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा है सर आपका? इस सरकार में लोग लगा के नहीं बैठ रहे लेकिन आगे भी जाते हैं, काउंटर लगा के बैठेंगे, इसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जितनी भी आपकी जो ये अधिकारी गण है, ऐसा नहीं रूम वार नॉट बिल्ट इन अ डे। वो सारे लोग सरकार योगी सरकार के आते हुए ठीक नहीं हो गए, वो सुधर नहीं गए। आज भी उनकी, मुझे कहने दीजिए, आज भी उनकी मंशा जो है वो ठीक नहीं है। वो अपने पुरानी तो कौन ठीक करेगा? हम कर रहे हैं ना, मैंने बताया ना, रोम वार नॉट बुल्ट इन अ डे। हम लगातार उनके सारे काम कंप्लीट नहीं हो गए, हमने शुरुआत करी है और शुरुआत में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे रिजल्ट्स आना चालू हो गए हैं, गरीबों के चिकित्सा मिलनी चालू हो गई है, मुफ्त इलाज मिलना चालू हो गया और है। ऐसे खुलासे भी हो रहे हैं जब गरीबों की किडनी निकाली जा रही है, ट्रांसप्लांट किडनी का फ्री हो रहा है ऐसे लोगों को जो ऐसे नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो पैसे लिए जा रहे हैं किडनी के लिए 25 से 30 लाख, फ्री ट्रांसप्लांट हो रहा है ऐसे लोग जो इस गणित के पीछे, उनको जेल जाएंगे वो, या वो तो जेल जाए, कितने भी बड़े नाम हो, पिछली सरकारें नहीं है, इस सरकार में लोगों की खबर है सर, ये जेल जाए। जहाँ पर कई लोगों को पागल बनाकर दिल्ली ले जाकर नौकरी का झांसा देकर 25 से 30 लाख रुपए का झांसा देकर पकड़े जाएंगे, वो जेल में जा रहे हैं, जेल गए जो लोग ऐसे कर रहे हैं जिन्होंने। एक और मैं आगे कदम बढ़ाता हूँ, जनता सवाल लेते हैं, पीछे से कुछ लोग सवाल लेना चाह रहे हैं। जी आप सवाल लें। शुक्ला जी, सिर्फ 10 डॉक्टरों का नाम बता दें जो नर्सिंग होम में काम नहीं कर रहे हैं, जो घर में प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ 10 डॉक्टरों का नाम बता दे तो हम लोग उन्हीं के पास जाने लगे कि चलो ये अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हर डॉक्टर नर्सिंग होम चला रहा है कानपुर का और घर पे उसकी अपनी यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है और 600-600 रुपए तो कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है। मित्र कह रहे हैं एक का बताइए, मैं 10 की, चलिए मित्र की बात एक का ही नाम बता दें। सवाल पूछे आप तो 10 नाम बता दें 10 का की जहाँ आपका कहना डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे। इधर इधर सर, सारे नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स का पैसा कानपुर और नहीं पूरे देश के नर्सिंग होम्स में लग रहा है, इनसे हम न्याय की उम्मीद क्या करें? ठीक है, अब ये न्याय की उम्मीद टूटी है। आप बढ़िया कह रहे हैं सर, फिर आप चुनाव में जाएंगे और आप कहेंगे कि हम करेंगे, तो आप पर विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, सभी दलों के सभी नेताओं की बात नहीं है, हर दल में इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के लोगों से नेक्सस बना के काम करते हैं। मैं उनका इस खुले दिल से विरोध कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी पार्टी में हो चाहे इनकी पार्टी में हो, मैं खुले दिल से उनका विरोध कर रहा हूँ इस तरह के घृणित कार्यों में जो भी लोग हैं। और अभी माननीय सुरेश गुप्ता जी ने जो बात उठाई कि सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है, आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? आप उनके तो सवाल दीजिए, शिकायत करिए, उन पे कार्रवाई होगी। मेरे पास नाम है, शिकायत करिए, शिकायत करिए, अच्छी बात है, सरकार करे सब कुछ। अरे क्यों आप विपक्ष में शिकायत करिए, फलां डॉक्टर सरकार में क्यों आए भैया, बैठो घर में, ये नाम चलाने मात्र से नहीं है। क्या विपक्ष इंटेलिजेंस है? नहीं, तो फिर कौन करेगा सर? जानकारी में अगर कोई नाम है कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा है तो उसकी शिकायत करिए। तो आप इंटेलिजेंस ले रहे हैं आपसे, तो देने से किया सर, विपक्ष को पता, विपक्ष को पता लग जाता है, ऐसे कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को पता नहीं लगता है। आप बताइए कौन डॉक्टर ऐसे काम कर रहे हैं? ठीक है, एक एक करके। एक प्रश्न मेरा है, वो प्रश्न ये है कि किडनियां बेची जा रही हैं, गुर्दे निकाले जा रहे हैं, लीवर बेचा जा रहा है। अरे इस सरकार में इतना ज्यादा, मतलब समझ लीजिए किडनी बिक गई, लीवर बिक गया, और आप दूसरी सरकार की बात कर रहे हैं। आप कार्रवाई की बात करिए, डॉक्टर से जांच करा रहे हैं आप, डॉक्टर से जांच ना कराइए, सरकार से जांच कराइए, छोटे भाई पुलिस जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है इनको, इनको पहली बात तो डॉक्टर नहीं, एसआईटी जांच कर रही है बोल रहे हैं। वो अपने डॉक्टर कमेटी खुद गठित किया हुआ है, उसमें किसी तरह से सरकार का कोई रोल नहीं है। पहली चीज
और दूसरी दूसरी चीज इनको ये बता दी जाए कि भैया ये जो आज हो रहा है ना, ये अभी से नहीं चल रहा, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पवार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। पवार साहब, ये पुरानी जड़ें हैं, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पवार साहब, मैं पवार साहब के पास आ रहा हूँ, ठीक है सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, ठीक है सर। आप पवार साहब जवाब दीजिए। पवार साहब देखिए, बैठिए बैठिए, अभी आपकी राजनीति शुरू हुई है, छात्र नेता है आपने, लेकिन थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य से ही राजनीति होती है। ऐसा है जैसा कि अभी सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं शिकायत की जाए। हाँ, विपक्ष कह रहा है कि मैं क्या जासूसी करता हूँ। हाँ, जब इस तरीके की भावनाएं हमारे जनप्रतिनिधियों होंगी तो जनता क्या करेगी? जनता के पास इतना समय होता कि खुद शिकायत करे जा करके, तो सरकार क्यों बदलती? समय समय पर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के कार्यकर्तागण जाते हैं, आप लोगों ने प्रकाशित करते हैं अपने समाचार पत्रों में, और जो भी कमियां होती हैं उनको उजागर किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीजें बिल्कुल फुल फर्निश्ड है, पूरी कंप्लीट है, हम जो भी कमियां होती हैं उनको लगातार उजागर कर रहे हैं। हमको अच्छे से प्रयास कर रहा हूँ लगातार उसके लिए। एक बात बताइए कि कोई भी कैबिनेट मंत्री या किसी विधायक ने कोई भी निरीक्षण बिना सूचना के किया हो, ऐसा कोई अस्पताल को बताइए, 24 घंटे पहले से भेज दिया था सूचना। मैं आ रहा हूं वहां देखने के लिए, समय पे उसमें दिखा दिया तीन इलेक्ट्रिक की डायरी लगा के, समय समय पे कहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से ही सूचना देते हैं ना, बहुत सारे लोग, हम लोग समय समय पे करते हैं, तो मौके बिना पूर्व सूचना के करते ना, इसके बाद चीजें आई है ना, चीजें जो आई उनको आप लोगों ने प्रकाशित किया है कि चीजें जैसे निकल के सामने आती है, ये बहुत जरूरी है। और नरेश जी तो जनता की आवाज का भी शिकार हुए कि आप आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन आवाज उठा रहा हूँ, पर सच बोलने की, अब आप जनता भी बोल रही है, आक्रोशित भी चार लोग हो रहे हैं, पर वो आवाज आती कोई पहले से सूचना ना दी जाए कि कोई मंत्री या विधायक औचक निरीक्षण कर रहा है तो शायद हकीकत सामने आए। ऐसा नहीं है, हमारे 24 घंटे पहले ही सूचना दे दी जाती है, प्रोटोकॉल आ जाता है कि फला औचक निरीक्षण होगा। मित्र हमारे, हम लोगों ने निरीक्षण किया तो चीजें पहले से सूचना दी होती तो कमियां सामने ना आती। हम लोगों ने निरीक्षण किया, हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया, और जो कमियां सामने आई उनको उजागर किया गया। हाँ, संबंधित अधिकारी को कहा गया, उसके बाद अधिकारियों ने भी उस पर किया। लगातार आप लोग छापे अखबारों में, आप लोगों ने इस चीज को प्रकाशित किया, काउंटर लगा के नहीं बैठते, फिर आप कह रहे हैं हम लोग गए थे हमने देखा। बिल्कुल, हम अपनी भूमिका को समझते हैं, समय समय पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं जाके कि क्या कमियां है उस चीज को, और जो भी उसके जिम्मेदार लोग होते हैं उनसे उस जिम्मेदारी से कहते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइए उस चीज को। ठीक है, मैं जनता से और सवाल ले लेता हूँ जी। मैं यहाँ पर बैठे जितने भी लोग हैं इन सबसे सवाल करना चाहता हूँ। हाँ, कि अगर आप कांड होने के बाद भी कानून व्यवस्था क्यों दुरुस्त करते हैं? दूसरी चीज ये कि अगर कानून बनाते भी हैं, जो अभी तक कानून चल रहा था, आपको कितने कानून ऐसे हैं जो आपको मालूम है कि हाँ इस उसके लिए इतने सारे कानून व्यवस्था की गई है? आप जैसा भी इन्होंने बताया कि हमें पता होता हम कहाँ जा रहे हैं तो वहां पर हम पहले से ही व्यवस्था दुरुस्त कर लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है। और सबसे बड़ी चीज कि आप लोग यहाँ बैठे हो, चारों लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसे कानून, जितने आपको पता है ऐसे कितने कानून है जो आपको पता है कि लागू किए जा सकते हैं और ये कानून व्यवस्था लागू है? ठीक है, ठीक है, मतलब ये कहना है, संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आपके पास भी आऊंगा शुक्ला जी, वो कहना चाह रहे हैं कानून इतने सारे हैं आपको पता भी है, जनता को तो पता नहीं होते, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई कब की जाएगी? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कराए। हाँ, कानून मौजूद हैं और भी उसमें सुधार की जरूरत है, अध्यादेश पास करना चाहिए इस पे, और कड़े कानूनों का प्रावधान करना चाहिए, मृत्यु दंड की सजा होनी चाहिए, आदमी को अंग भंग किया जा रहा है, शरीर को बेचा जा रहा है, बेचा जा रहा है, उसका अंग निकाल के धोखे से बेचा जा रहा है, और बहुत बड़ा अपराध है। वाकई ये बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीब आदमी है जिसको बरगलाया जा रहा है, नौकरी का झांसा दिया जाता है शुक्ला जी, और ये हम सबको सोचना होगा कि कार्रवाई इस मामले में कब की जाएगी, एसआईटी का गठन कब किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया है, कानपुर की जनता हमारे साथ जुड़ी रहेगी, कुछ नए मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, और आज हम सवाल पूछेंगे यूपी मांगे उत्तर में इस किडनी कांड से जुड़े हुए आरोपियों पर कब शिकंजा कसा जाएगा। कुछ आरोपी गिरफ्तार किए गए लेकिन बड़े लोगों पर कब कार्रवाई की जाएगी और कैसे अब एसआईटी की टीम आगे कार्रवाई करेगी, क्या कुछ तरीका होगा, ब्रेक के बाद जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, बहुत जल्द लौटेंगे नए पैनल के साथ।